समंदर तो मुझे हर दिन देखना ही है आज से कुछ दिन बाद। अस्सलाम वालेकुम, आज है मेरे कोर्स का डे वन। सुबह के 8 बज रहे हैं, मुझे पहुंचना है 9 बजे तक। अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने, जल्दी नहा कर आया हूँ, रेडी हो गया हूँ। जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और जल्दी से निकलते हैं कोर्स के लिए, क्योंकि मुझे लेट नहीं होना है। वैसे मैं कहीं लेट होता नहीं हूँ, आज तक कभी हुआ नहीं हूँ लेट, और उसी चीज़ को मुझे बरकरार रखना है। और कल नींद मुझे बहुत अच्छी आई, बहुत ज़्यादा मैं थक गया था ट्रैवलिंग कर करके, नींद सुकून की नींद आई है। अब जाते हैं कोर्स करते हैं, फिर शाम 5 बजे तक मेरा कोर्स है, उसके बाद कहीं घूमते फिरते देखते हैं आसपास का जगह है घूमने के लिए। तो चलिए अब चलते ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी मैंने डोसा ऑर्डर किया है, तो कुछ वक्त लग रहा था, सोचा कुछ फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। फ्रूट एंड एक पूड़ी लिया मैंने, बेसिक्स। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं, जस्ट अभी कोर्स ख़त्म करके मैं रूम आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। देखते हैं, अभी बाहर जाने का मन वैसे कर नहीं रहा, इतना थक गए हैं, पर जाते हैं आसपास जुहू बीच है, दरी घूम के आते हैं। A few moments later. तो अभी आ गया हूँ मैं जुहू घूमने के लिए, चलिए घूमते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा है क्या है। मैं वापस से समंदर के पास ही आ गया हूँ, जहाँ मुझे कुछ दिन बाद वापस जाना है। जी हाँ, आप भी देखिए, मेरी जॉइनिंग अभी 9-10 दिन बाद होने वाली है। अभी मैं समंदर को इस ज़मीन से देख रहा हूँ, कुछ दिन बाद ज़मीन को समंदर से देखूँगा। दिस इज़ द आयरनी। खैर चलिए, अभी फ़िलहाल इस मौसम के मज़े लेते हैं। मुझे वहाँ जाने का मन कर नहीं रहा है, क्योंकि मेरे शूज़ मुझे खोलने पड़ेंगे, शूज़ खोलना चाहता नहीं हूँ मैं, पर थोड़ा आगे तक जाते हैं और देखते हैं। बस इतना आराम चाहिए मुझे, लाइफ गार्ड है ये लोग। मेरा प्लान कुछ ये था कि मुझे आज क्लास से निकलना है, क्लास से निकल के मैं जुहू आऊँगा और कुछ देर बाद यहाँ से मैं निकल जाऊँगा बांद्रा के लिए, जहाँ पे SRK का घर है। जी हाँ, मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे मन्नत देखना ही है जा करके। SRK तो नहीं मिल पाऊँगा, तो मन्नत ही देख लेता हूँ, पर वक्त उतना बचा नहीं है कि मैं वापस वहाँ जा बांद्रा जाऊँ, बांद्रा से फिर वापस अंधेरी आऊँ। तो आज रहने देते हैं, कल डे टू है मेरा क्लास का, टोटल 5 दिन का कोर्स है। कल मैं क्लास करके बांद्रा के लिए निकलूँगा। और शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब मैं निकल रहा हूँ जुहू बीच से वापस होटल की ओर। सच बताओ तो मुझे अकेले घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर होटल पे बैठकर मैं बोर ही होता, इसलिए सोचा चलो घूम कर ही आते हैं। मैंने एक बंदे से पूछा, भैया जुहू बीच पर क्या मिलेगा, कुछ खासियत क्या चीज़ उधर की। उसने कहा, भाई बहुत प्यारा सनसेट मिलेगा देखने, वो देखना ज़रूर। अब मैंने कहा, भाई ये सनसेट मैं हर दिन जहाज़ पर देखता हूँ, यहाँ पर आकर अलग क्या ही देखो। और ये मुंबई है, उसकी ट्रैफिक शांति लेने कभी नहीं देगी। कम ट्रैफिक अभी है, ये कम है, बहुत कम। आपको अभी हम 3-4 सिग्नल पर से पहुँचते, मैं तो इसमें परेशान हो जा रहा हूँ, समझे। बहुत आपको कम ट्रैफिक मिल रहा है। अभी तो गणेश चतुर्थी है ना, अभी तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी होगा। यहाँ से इस बार क्या हुआ है आपको मैं बताता हूँ। हाँ, बहुत आदमी अपना गणपति से जा कर पूजा कर जब गाँव में जा। अच्छा, खाना ऑर्डर देकर आ गए, रूम जाते हैं। उफ, बहुत थक गया आज। अब डिनर करते हैं, दिखाते डिनर में क्या क्या है, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो मेरे बाल बहुत बड़े हो गए हैं,
देखते हैं कटवाएं कि नहीं, इसको सोचना पड़ेगा पहले। डिनर आ गया, डिनर लेते हैं। डिनर आ चुका है, अब सबको अनपैक करते हैं और देखते हैं डिनर में क्या क्या है। ये देखिए गाइस, आज का डिनर। इतना मैं अकेले तो खा नहीं पाऊंगा।